37 part 1 integrate x e raised to power kx square dx is equal to 1 by 4 e raised to power 2x square plus c. Then find the value of k. Find the value of k. So 37 part integration x e raised to power kx square dx is equal to 1 by 4 e raised to power 2x square of plus c, है ना? तो इसको इंटीग्रेट करिए तो लेफ्ट साइड आपको कितना है, लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करते हैं, राइट साइड इसकी वैल्यू. तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं. तो इसमें k x स्क्वायर इज इक्वल टू k, लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करना है. तो यहां से dt / dx क्या हो जाएगा, dt / dx हो जाएगा k * 2x, हां. तो यहां से dt / 2k इस कोड क्या हो जाएगा, x dx. तो देखिए f dx आपके पास है, x dx आपके पास है. तो ये f dx है dt हो जाएगा, dt / 2k हो जाएगा. तो हो जाएगा e raised to power t dt / 2k इस कोड टू 1 by 4 e raised to power 2x square और प्लस c, ना? तो टेकन 2k इस कोड क्या हो जाएगा, अब सब इंटीग्रेट कर दीजिए. तो 1 by 2 के तो कांस्टेंट के बाहर हो जाएगा ना, कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगी. अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, e raised to power t dt अब इस कोड टू 1 by 4 e raised to power 2x square, ठीक है, t हो जाएगा 1 upon 2k, हो जाएगा e raised to power t plus c इस कोड टू 1 by 4 e raised to power 2x square और plus c. तो हो जाएगा 1 upon 2k e raised to power t, t की वैल्यू कितना है, t की वैल्यू kx square, kx square और plus c is equal to 1 by 4 e raised to power 2x और plus c, ना? अब वो सेट कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं. तो देखिए कोफिशिएंट कंपेयर करिए तो e raised to power e का कोफिशिएंट क्या है, 1 by 2k, यहां पर e का कोफिशिएंट 1 by 4 है. तो 1 by 2k is equal to क्या हो जाएगा, 1 by 4, यहां से 2k is equal to 4 हो जाएगा. तो k is equal to 2, अब इसको कंपेयर करिए, ठीक है, kx square is equal to 2x, kx square is equal to क्या है, is equal to 2x square. तो यहां से k is equal to क्या हो जाएगा, 2, k is equal to 2, है ना, k is equal to 2 हो जाएगा. तो k का आंसर हो गया. अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आप आ जाए 37. देखा आंसर कितना दे रहे हैं, 37 फर्स्ट पार्ट आंसर कितना है, फर्स्ट पार्ट आंसर आ रहा है. सही है. अब सेकंड पार्ट है जी, पार्ट सी 37 पार्ट सी. पार्ट सेकंड क्या है आपका, इंटीग्रेशन x रेट फॉर माइनस 3 और 5 1 बाय x स्क्वायर और फिर dx इज इक्वल टू k 5 1 बाय x स्क्वायर हो गया और प्लस, ठीक है, ठीक है. तो इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट साइड इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इसका लेफ्ट साइड इंटीग्रेट करिए, राइट साइड आ जाएगा. तो इंटीग्रेट करिए, आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा, t इक्वल टू 1 बाय x स्क्वायर, ठीक है. तो dt / dx क्या हो जाएगा, dt / dx इक्वल टू d / dx ऑफ x रेट फॉर माइनस, तो माइनस को बाहर हो जाएगा, x रेट फॉर माइनस टू माइनस, तो माइनस टू इंटू x रेट फॉर माइनस थ्री, ठीक है. तो जगह माइनस टू अपॉन x रेट फॉर थ्री dx हो जाएगा. तो dt अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू x रेट फॉर माइनस थ्री dx हो जाएगा. एक वन x रेट फॉर थ्री ऊपर जाएगा तो x रेट फॉर माइनस थ्री हो जाएगा. तो देखिए ये चीज हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा,
आपका के टाइम फाइव वन बाई एक्स स्क्वायर अब प्लस सी तो माइनस वन बाई टू बाहर मिलेगा इंटीग्रेशन फाइव एट फोर टी डी टी इज इक्वल टू के इनटू फाइव वन बाई एक्स स्क्वायर डी प्लस सी अब माइनस वन ये देगा लॉग लॉग फाइव एट फोर पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ ए रेट पॉल एस बेस क्या होता है ए रेट पॉल एस अपॉन लॉग ऑफ ए बेस है ना तो इसके अकॉर्डिंग फाइव एट फोर टी अपॉन लॉग ऑफ फाइव लॉग ऑफ फाइव बेस और प्लस सी इक्वल टू के इंटू फाइव वन बाई एक्स स्क्वायर और प्लस सी यहाँ कंपेयर कर लीजिए तो ये हो जाएगा फाइव ये आपका हो जाएगा टी टी के मान वन बाई एक्स स्क्वायर है और अपन माइनस टू लॉग फाइव बाई सी और प्लस सी इक्वल टू के इंटू फाइव वन बाई एक्स स्क्वायर और प्लस सी अब कंपेयर कर लेते हैं के इक्वल टू कितना हो जाएगा के इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू लॉग फाइव बेस ये आंसर हो जाएगा कितना देगा देखिए तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस माइनस वन अपॉन देखिए इसे फॉर्म में दे देंगे कोई फॉर्म नहीं है फाइव रेज टू पावर टू बेस तो के इक्वल टू क्या माइनस वन अपॉन लॉग ऑफ 25 बेस कितना देते हैं एक के माइनस लॉग ऑफ ई बेस रूट पर आंसर क्या देखा कौन सा लगा रहे 37 पार्ट सेकंड इसे पंप में दिएगा ना इस पंप में अब चलिए उसके बाद 38 पार्ट फर्स्ट तो 38 पार्ट फर्स्ट आ जाइए 38 पार्ट तो इंटीग्रेशन x रेट फॉर 6 साइन ऑफ 5 x रेट फॉर 7 dx इक्वल टू ये हो जाएगा आपका के अपॉन फाइव कॉस ऑफ फाइव एक्स रेट फॉर सेवन फाइव एक्स रेट फॉर सेवन और प्लस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ठीक वैल्यू फाइंड है ना तो चलिए इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं लेफ्ट साइड इंटीग्रेट करेंगे ठीक वैल्यू आ जाएगी तो लेफ्ट साइड इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ठीक वैल्यू क्या हो जाएंगे फाइव एक्स रेट फॉर सेवन डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा फाइव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेट फॉर सेवन तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइव इंटू सेवन एक्स रेट फॉर सेवन माइनस वन तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 35 एक्स रेट फॉर सिक्स तो डी टी अपॉन 35 इज इक्वल टू एक्स रेट फॉर सिक्स डी एक्स ठीक है तो आप चलिए सब्स्टिट्यूशन करिए चलिए आगे तो ये वैल्यू रख दीजिए आई कितना हो जाएगा आई कितना आई
है ना, इसमें देखिए ये चीज हमारा डी जी से इंक्रीज हो जाएगा, इतना पार्ट जो है डी जी से इंक्रीज हो जाएगा। ये पार्ट डी जी से इंक्रीज हो जाएगा, ये पार्ट डी से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और ये पार्ट डी के 135 से इंक्रीज, तो इंटीग्रेशन साइन ऑफ सी हो गया क्योंकि इसको नेगेटिव मान लिया, ये चीज हमारा जो है डी के 135 आ रहा है, डी के 135 में देंगे इसको और इसको क्या हो जाएगा के 5 cos 5 x रेट फॉर 7 प्लस सी ना, ये 135 हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos टी होगा और प्लस सी इक्वल टू के रेट फॉर 5 cos 5 के रेट फॉर 7 और प्लस सी, ठीक है। अब दोनों बहुत सेट हम कंपेयर करते हैं cos के कोफिशिएंट, तो 1 upon 35 माइनस cos ऑफ जो देगा 5 के रेट फॉर 7 टी का मान 5 के रेट फॉर 7 ना, प्लस सी इक्वल टू के अपॉन 5 cos 5 cos 7 प्लस सी, वो सेट कोफिशिएंट कंपेयर करें तो के अपॉन 5 इक्वल टू माइनस अपॉन 35 हो जाएगा, के इक्वल टू माइनस 5 बाय 35 तो के इक्वल टू हो जाएगा माइनस अपॉन, ये आंसर, ठीक है। के देखिए क्या कहते हैं Gracias.